Oh,
पर ये मान किससे रहा है,
अरे मैं तो इसके दरबार में मांगने आई हूँ, इसका मतलब इससे भी बड़ा कोई भी बैठा हुआ है जिससे ये बादशाह होगा। मैं तो सोच रही थी यही सबसे बड़ा है, अभी इससे भी बड़ा कोई होगा। तो देख लेती है, पूछती है संतरी से, बोले भाई ये बादशाह साहब ऐसे क्यों बैठे हुए, ये ऐसे हाथ क्यों कर रखे। तब संतरी बताता है, बोले देखो ये हमारे अल्लाह से हेमो करम की भीख मांग रहे हैं। बोले अच्छा, बोले आपके यहाँ जैसे भगवान होते हैं ना वैसे ऐसे हमारे यहाँ। बोले ये उनसे मांग रहे हैं ऐसे आपके यहाँ भगवान से मांगा जाता है। उस भैया को समझ में आ जाता है, भैया कहते हैं बोले इस भिखारी से मांगने से क्या लाभ है। बड़ी सुंदर भाव गुरु जी महाराज ने ब्रज में कहा है कि दुनिया से भला अब क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। बोले दुनिया से नहीं मांगना, बोले फिर इससे मांगे। ओ जो सरल संज्ञा
क्या कहते हैं, भोजन और भजन एकाग्र का विषय है। समझे हाथ में माला छुरे लेकर घूम रहे हो, किसी ने आपको मत को भेज दिया, वो भी है पहले जी क्या कहते थे, इसलिए हमारे आप मान दे करोर मोर विष्णुता और त्रवाद भी जिन भक्त के लक्षण है, तरण से भी छोटा स्वयं को माने हमारे आप मान दे, अपने मान सम्मान की चिंता नहीं करना, सामने वाले को मान सम्मान देना और तरुण रहो सहिष्णुता का वृक्ष के समान सहिष्णुता से शीलता, बोले ये है भक्त के प्रथम लक्षण। और कीर्तनीय सदा भजन जो होता है वो मन का विषय है, तन का विषय नहीं है। कीर्ति और जो तन से ऊपर उठ जाए उसको कहते हैं कीर्तन, इसमें सबकी सेवा का होती है, सेवा का भजन नहीं है, इसमें सबों के द्वारा कीर्तन किया जा रहा है, उसको बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम ठाकुर जी को वो एक क्षण जरूरी नहीं 24 घंटे, वो पूरे दिन का एक क्षण कोई ऐसा आ जाए जिसमें आपका ठाकुर से मिलाप हो जाए, उस समय ना आपका परिवार बीच में आए, ना समाज बीच में आए, ना पैसा बीच में आए, ना पद बीच में आए, सारी चीज दरकिनार हो जाए, वो क्षण है। हटवा के ऋषि ने मात्र 2 घड़ियों भगवान को प्राप्त करा, 2 घड़ी 48 साल। तो ऐसी बात नहीं है, बस बात यह है कि वो क्षण कौन सा आ रहा है। बजराज ने कौन से जीवन पर बैठे तपस्या करी, अंत में जाकर जब फंस गया तो क्या हुआ, ठाकुर जी ने आकर बचा लिया। प्रहलाद जो थे, प्रहलाद क्या उनकी भक्ति के रंग में पागल थे, उनको उनके अलावा और कोई दिखते ही नहीं था। अन्यथा इसीलिए कहा है कि नरसिंह तो बसे प्रति खप्पन में पर काल है तो प्रहलाद का, उन्हें नरसिंह भगवान तो प्रति खप्पे में वास कर रहे हैं, पर आज के कलयुग की भक्तों के आगे कहां से आए प्रहलाद। भाई आज के आदमी में भक्त ज्यादा है, सत्य बात हम लोग दिखाने के लिए भजन ज्यादा करते हैं, आत्म कल्याण के लिए भजन चित्र करने लग जाएंगे, उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी बात है, एक तो क्या इसलिए हम भजन कर रहे हैं कि भक्तों की सूची में शामिल हो जाए, इसलिए कर रहे हैं एक तो भजन। और जिस दिन मन में यह आ गया ना यदि मेरा ठाकुर जी से मेरा प्रेम है तो मुझे ठाकुर जी को लाल लड़ाने के लिए भजन करना है, उस दिन बात ही अलग हो जाएगी। उस दिन ये वाला भाव नहीं रहेगा कि मुझे कोई देखने भक्त है, उस दिन तो ये रहेगा मैं जानता हूँ मेरे ठाकुर जी जानते हैं, ठाकुर जी मुझको पापी है पागटी है जो कहना चाहे संसार मुझको कहले, पर मुझे खाली इतना ध्यान रखना है मेरा ठाकुर जी मुझको क्या कह रहा है, मैं अपने ठाकुर जी की निगाह में अच्छा हूँ या नहीं हूँ। जैसे डॉक्टर कहता है डॉक्टर से पूछना छुपा, ऐसे ठाकुर जी से पूछना छुपा, जब इनके चरणों में बैठा दुनिया से छुपा लो, इससे जाकर क्या छुपा हो। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया।
श्री श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। कृष्ण से भारताम नित्याम श्यामाम श्री अम्नाम बजे भील वल्ले नमस्त जब सर्वलोक Yeah।
उधर बैठ कैसे दाहिने तरफ हो जाए गुरु खत्म कर दी ग्यारह अच्छा बनवाना है देख रही हूँ बुला कौन है बुला और तेरे पास चाबी।